जैसलमेर, ऐसा कोई ट्रैवलर नहीं है जिसकी चेकलिस्ट में ये नाम ना मिले। तो आइए सफर में चलते हैं जैसलमेर की ओर। दिल्ली से जैसलमेर करीब 750 किलोमीटर दूर है और ये सफर जबकि एक दिन में तय किया जा सकता है, पर अगर इस सफर को मज़ेदार बनाना है तो कहीं एक बीच में स्टॉप लेना ज़रूरी है। दिल्ली से जैसलमेर जा रहे हो या जैसलमेर से दिल्ली जा रहे हो, ये एक छोटा सा डिटूर है जो आपको लेना पड़ेगा। छोटे छोटे गांव से निकलते हुए रास्ते, बहुत बड़े बड़े खेत, बहुत खूबसूरत मौसम। हिमसर एक बहुत छोटा सा राजस्थान में एक गांव है जो कि अपनी नागौर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब यहाँ से लोग दूर दूर से अपने कैटल को ट्रेड करने आते हैं। ऑल्सो इट इज़ नोन फॉर जैन टेम्पल्स एंड सचिया माता टेम्पल। हिमसर फोर्ट और धवा डोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ एक मुख्य आकर्षण है। अब जैसलमेर कैसे पहुँचना है ये तो बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, तो हम सीधा जैसलमेर पहुँचते हैं। अब थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ है जैसलमेर में देखने के लिए, जैसलमेर का किला, जैसलमेर की ये, जैसलमेर का वो, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर लोग मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल, लोग ज़्यादातर जैसलमेर जाते हैं रेगिस्तान देखने के लिए, पर सच ये है कि जब तक आप जैसलमेर पहुँचेंगे आपको रेगिस्तान जैसा कुछ नहीं मिलेगा। और इस मौसम में तो खास तौर पे रेगिस्तान बिल्कुल नहीं मिलता है क्योंकि ये मॉनसून का मौसम था। मॉनसून में वैसे भी जो थोड़ी बहुत रेत होती है वो पानी की वजह से रेत नहीं लगती है। और अगर आप जैसलमेर से आगे जाते हैं तो आपको रेत की जगह लश ग्रीन मेडोज दिखेंगे, दूर दूर तक हरी भरी घासें। अब जैसलमेर में किला और एक सुंदर से तालाब देखने के बाद हम लोग चले रेगिस्तान की खोज में। रेगिस्तान के नाम पर जैसलमेर के आसपास सिर्फ एक ही जगह है जिसका नाम है सैम ड्यून्स। अब टूरिज्म का फ्लिप साइड भी होता है, जहां बहुत आसानी होती है राजस्थान जैसी जगहों में पहुंचकर घूमना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गाइड्स मिलते हैं, बहुत सारी जीप्स मिलती हैं, डेजर्ट सफारी करना बहुत आसान है। वहीं दूसरी तरफ ये फ्लिप साइड भी है कि वो आपको पूरी तरह से नहीं बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा देखने के। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैंड ड्यून्स जाते हैं तो आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुई है, यहाँ पे करीब 40 से 50 फीट ऊंची डेजर्ट की बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स हैं, सिलवटें दिखेंगी आपको उसके ऊपर और पता नहीं क्या क्या। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम ऑल इन कि इन लोगों को इकोनॉमी में हम किसी ना किसी तरीके से एट्रीब्यूट कर पाएँ, किसी ना किसी तरह से इनका अच्छा कर पाएँ, पर माई ओनली पॉइंट इज एज अ टूरिस्ट, क्योंकि आप ऐसी जगहों पर एक या दो मरतबा ही जाएंगे, एज ए टूरिस्ट आपको ये जानने का हक है कि आपको क्या देखने मिल रहा है। और इसीलिए सैंड ड्यून्स के बारे में ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत बड़ा डेजर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक पैच है डेजर्ट का, जिसमें ऑफकोर्स 30 से 40 फीट ऊंची डेजर्ट्स मिलेंगी, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर क्योंकि एक छोटा सा लैंड मास है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऑफ सीजन भी, और ऑन सीजन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
आपको रेगिस्तान का एक ग्लिम्स मिल जाएगा, आपको ये दिख जाएगा कि रेगिस्तान होता कैसा है। पर अगर आपको ये लगे कि ये थार डेजर्ट का मेन पार्ट है जो कि हम अपनी किताबों में लोगों से सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसा है, गवर्नमेंट ओन्ड है, पर फिर भी इसमें आपको वो 100% ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी डेजर्ट की। पर हाँ, अगर आपको डेजर्ट देखने का मन है, अपने बच्चों को दिखाने का मन है, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एट। आप यहाँ 2 से 3 घंटे तो बहुत आराम से गुजार सकते हैं, और हमें 2 से 3 घंटे गुजारने के बाद ऐसा लगा कि अंधेरा कुछ ज्यादा हो रहा है और हमें वापस चलना चाहिए। अब इस रेगिस्तान के बाद हम तो चले वापस घर। तो चलिए जैसलमेर चलिए। आप अपने नजरिए से इस बार जैसलमेर को कैप्चर करिए, हम सबको बताइए जिस तरह से मैं बता रहा हूं। आई एम श्योर हर बार की तरह जैसे मेरे लिए ये स्टोरी अलग थी, आप भी अपनी एक खूबसूरत स्टोरी जरूर बनाएंगे।